बक्सर में पूर्व पार्षद और बीएसपी के नेता मिल्लू चौधरी की हत्या। कुरान सराय के पास गाड़ी का पीछा कर अपराधियों ने गोलियों से भूना। गोलीबारी में अन्य दो लोग भी घायल। आरा के एनएस मॉल में बम विस्फोट, धमाके में जख्मी 6 लोगों की हालत गंभीर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेतिया के जगजीवन नगर में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, 6 अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब पीने से जताई जा रही है मौत की आशंका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पटना में स्पीडी ट्रायल का लेंगे जायजा। राज्य में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साल 2005 में शुरू किया गया था स्पीडी ट्रायल। गुड्डा और पाकी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। गुड्डा से 18 तो पाकी से 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है पर्चा। बोकारो हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद सियासत तेज। जेएमएम ने बीजेपी विधायक विरंची नारायण को बचाने का लगाया आरोप। घटना की न्यायिक जांच की मांग। और बिहार में जानलेवा बना जल संकट। औरंगाबाद में पानी के लिए मची भगदड़, एक महिला की मौत।